नमस्कार दोस्तों, पकवान गली में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बलराम सिंह हैं। बलराम मालवा और इंदौर में बहुत फेमस जो है दाल बाफला, वो उसकी रेसिपी हमारी यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए बलराम से ही जानते हैं कि वो किस तरीके से बनाएंगे, क्या क्या उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाफले को स्वादिष्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम बाफले बनाने के लिए करीब 2 किलो गेहूं का आटा लेंगे, करीब 200 ग्राम देसी घी, करीब आधा चम्मच इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे और 1 टेबल स्पून अजवाइन यूज़ करेंगे। अजवाइन हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाफले थोड़े से हैवी होते हैं और ये डाइजेशन में थोड़ा हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम अपने आटे में 1 चम्मच ये अजवाइन मिला देंगे, इसमें 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, नमक इसमें स्वाद अनुसार मिलाएंगे। अब हम इसमें अपना देसी घी डाल देंगे, इसमें हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके पानी मिला के इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बाफले का डो रेडी है। इसको हम थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे, इसको हार्ड नहीं होने देंगे। आइए इसके फिर हम बाफले गोल गोल बना लें। ये देखिए हमारे बाफले तैयार हैं। चलिए अपने बाफले बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और एक कुकर में पानी बॉईल करेंगे। हमारा ये पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, जो हमारा बचा हुआ देसी घी है, ताकि बाफले आपस में उबलते टाइम चिपके। अब हम इसमें एक एक करके अपने बाफले बॉइल होने के लिए, अंदर के 2 सीटी ले लेंगे ताकि मेरे बाफले को ठंडी दे दें। ये देखिए हमारे बाफले बॉइल हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल के अवन में सेकेंगे। ये देखिए हम अपने बाफलों को सेकने के लिए स्पेशली यूज में आता है ये अवन है, इसको हम गर्म कर लेंगे और इसमें अपने बाफलों को सेकने के लिए लगा देंगे। हम अपने अवन को थोड़ा सा प्री हीट होने के लिए कर देंगे। ये देखिए हमारा अवन प्री हीट हो चुका है, अब हम इसमें अपने बाफलों को सेकने के लिए साइड में लगा देंगे। ढक देंगे उसको मीडियम आंच पे, सिकने देंगे धीरे धीरे, बीच बीच में पलट के देखते रहेंगे तो अपना जले जाए। जब तक हमारे बाफले सिक रहे हैं तब तक हम अपनी दाल फ्राई कर लेंगे। मैंने ये दाल को उबाल लिया है, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग डाल के इसको उबाल लिया है और इसको एकदम हमें पूरा सॉफ्ट उबाल लेना है। दाल अभी दाल भी उबाल ली है तो अब हम दाल के लिए तैयार करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा तड़का। इस दाल का जो मेन टेस्ट आएगा इस तड़के से ही आएगा। इसके लिए हम प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर को काट लेंगे। ये देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर घी, आधा चम्मच जीरा, इसको थोड़ा सा हम चटकने देंगे। तो देखिए हमारा जीरा चटक रहा है, इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ये देखिए हमारी अदरक लगभग ब्राउन हो गई है, लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ अपना प्याज।
हम इसमें ऐड करेंगे अपना हरा मिर्च टमाटर और उसको थोड़ा एक मिनट के लिए और भूनेंगे। देखिए हमारा टमाटर एकदम गल चुका है, ऑयल एकदम मतलब घी एकदम अलग हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च। देखिए हम अपने तड़के के स्वाद को बढ़ाने के लिए एकदम फ्रेश हरा धनिया इसमें काट के डालेंगे। हमारा तड़का तैयार हो गया है, ऑयल एकदम अलग हो गया है, बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, इसको हम अपने दाल में शिफ्ट कर देंगे। दाल को हम एक उबाल ले लेंगे इसमें ताकि तड़का अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बीच बीच में अपने बाफलों को पलटते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। ये देखिए हमारे बाफले एकदम बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, एकदम कुरकुरे। अब हम इसमें मिलाएंगे देसी घी, तो देसी घी को हमें कढ़ाई में थोड़ा सा इसमें निकाल के मेल्ट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से मर्द में मिले। हमारे वाफले एकदम सिक चुके हैं, इसको इस तरीके से हम कपड़े पे लेके इसको क्रश कर लेंगे ताकि ये बीच में से टूट जाए और इसमें देसी घी अच्छे से चला जाए और इसको हम उसको देसी घी में डाल देंगे। वैसे कर करके सारे वाफले इसमें डाल देंगे, घी डालने में कोई कमी नहीं रखनी ताकि इसे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं वाफले हमारे जो सीखने के टाइम पे कुरकुरे होंगे। ऐसे करके हम सारे वाफले इसमें डाल देंगे। हमने अपने बाफलों एकदम घी को पोर कर दिया है, अंदर बाफलों में एकदम घी लग गया है। वैसे हमारे बाफले तैयार हैं, हमारी दाल तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्लेट। तो लीजिए मालवा की स्पेशल दाल बाफले, साथ में इसमें जो चटनी है अतलामी सेव है, चटनी है जो तड़के वाली तैयार करी थी वो भी अलग से रखा है। सलाद का बेसिक ध्यान दिया जाता है ताकि बाफलों को पचाने में इस्तेमाल किया जाता है। जरा आप इनका स्वाद ले लेते हैं, बाफले बहुत बढ़िया कड़क से चूरी और ये दाल बहुत शानदार है। पूरी रेसिपी है, आप वीडियो देखिए और घर पर ट्राई करिए बनाना, आपको बहुत उम्दा लगेगा। मालवा से, मालवा के खाने से आपको प्यार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।